नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। आज हम बात करने वाले हैं धर्म परिवर्तन के नए पैटर्न की। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बीते दिनों ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का चौंकाने वाला मामला सामने आया था। पुलिस ने मामले की तह तक जांच की और गेमिंग धर्मांतरण के मास्टरमाइंड बद्दों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया था। अब गाजियाबाद से ही धर्मांतरण का एक और मामला सामने आ गया है, लेकिन धर्मांतरण करने वाले इस गिरोह का काम करने का तौर तरीका और जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। दरअसल इस गिरोह का सरगना पहले उन लोगों को टारगेट करता है जो इमोशनली कमजोर होते हैं, फिर प्लानिंग के तहत उनका धर्मांतरण करवाया जाता है। धर्मांतरण होने के बाद गिरोह का सरगना उन लोगों से धर्मांतरण का काम करवाता है जिन्होंने हाल ही में धर्मांतरण किया होता है। पुलिस ने धर्मांतरण गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार कर लिए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ये गैंग अब तक 7 से 8 लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। पकड़े गए 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों ने हाल ही में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाया था। लगभग रोजाना सामने आ रहे मामलों के चलते गाजियाबाद धर्मांतरण का गढ़ बनता जा रहा है। गाजियाबाद से एक बार फिर हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां राहिल नामक आरोपी राहुल बनकर हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश कर रहा था। यही नहीं, आरोपी राहिल हिंदू लड़की को शरीयत की तालीम दे रहा था, जिसके बाद लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपी राहिल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी नोएडा में नौकरी करती है और राहुल अग्रवाल नामक लड़का भी इसी दफ्तर में बतौर टेलीकॉलर हेड जॉब करता है, जिसका असली नाम राहिल है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बहुत दिनों से अजीब व्यवहार कर रही थी, जिसके बाद पिता ने बेटी से इसका कारण पूछा तो बेटी ने बताया कि वो शरिया कानून के बारे में सीख रही है और उसके साथ काम करने वाले राहुल और राहिल ने उसे ये सब सिखाया है, जिसके बाद लड़की के पिता ने पुलिस में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। तो गाजियाबाद पुलिस ने धर्मांतरण के इस पैटर्न का खुलासा किया है, साथ ही 3 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के जो नाम है वो मैं आपको बता दूं, मोहम्मद मुसीर है, अब्दुल्ला अहमद है और राहिल है। राहिल ने ही खोड़ा की लड़की का धर्म परिवर्तन इसी पैटर्न से कराया था। दरअसल 2017 में राहुल जो अब राहिल बन चुका है, वो 12वीं की ट्यूशन के लिए मोहम्मद मुसीर के पास जाता था। मुसीर ने 1 साल में ही राहुल का ब्रेन वॉश कर उसका धर्मांतरण करवा दिया और उसे राहिल बना दिया। फिर कुछ साल बाद राहिल ने नोएडा की एक कंपनी में काम करने वाली लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और बहला फुसलाकर उसका धर्मांतरण करवा दिया। लड़की के धर्मांतरण के बाद राहिल ने उसे यह कहा कि वो अब अपने परिवार का भी धर्मांतरण करवाए। इसके लिए लड़की ने कोशिश भी की, परिवार पर धर्मांतरण का दबाव भी बनाया, लेकिन लड़की के पिता ने मामले की पुलिस को जानकारी दे दी, जिसके बाद इस नए पैटर्न का खुलासा हुआ है। तो आप समझिए कि कैसे ये गैंग काम कर रहा है, कैसे पहले लोगों को फंसाता है, लोगों का ब्रेन वॉश करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि कौन लोग उनके झांसे में आ सकते हैं, जो इमोशनली अटैच्ड हो जाएं, उन लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। यानी अब ये नया पैटर्न। सवाल ये भी है कि क्या गाजियाबाद धर्मांतरण का अड्डा बन चुका है? इससे पहले आपने देखा ऑनलाइन गेमिंग के जरिए किस तरह से बच्चों को फंसाने की कोशिश की गई, धर्मांतरण करने की कोशिश की गई, पुलिस एक्टिव हुई और उसके बाद ये जो पूरा गैंग था इसको डिकोड करने की कोशिश की। अब हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर, ये जो नया पैटर्न अपनाया जा रहा है इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त तुलसी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सर आपका, और साथ ही मोहम्मद अतीक प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के, इस वक्त हमारे साथ है। अशोक धर द्विवेदी जी पूर्व IPS है, सर बहुत स्वागत है आपका भी। एक एक करके तीनों का रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त मैं रुख करती हूँ तुलसी महाराज जी आपका। ये एक के बाद एक नया पैटर्न अपनाना, मतलब एक कारोबार समझ गया लाइक, ये अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, जिस तरह लोगों को फंसाने की, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, जो इमोशनली लोग अटैच हो जाएं, उनको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश हो रही है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मतलब हिंदुओं को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? पहला मामला नहीं है, सनातन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं, क्योंकि जीवन में आदमी को एक बात समझना बहुत जरूरत हो गई है इस समय, कि हमारे बच्चों को टारगेट कर कैसे पा रहे हैं। जो ये बिटिया ने शिकायत किया या पिता ने शिकायत किया, इम्पोर्टेंट ये है कि पहली बात तो धर्म एक है, सनातन है,
लेकिन ये जो संप्रदायवाद लोग अपना लादना चाह रहे हैं देश में, ये जो सिखाना चाह रहे हैं, ये जो अपनी अपनी किताबों को दूसरे हमारे बच्चों पे लादना चाह रहे हैं, तो ये कमी हमारे तरफ से ये है कि हमारी हमारी जो सरकार है या जो हमारे परिवार हैं या जो हमारे गार्जियन है या जो हमारे सनातन के सारे जितने भी परिवार सुन रहे हैं मुझे, उनको जागने की बहुत जरूरत है कि इनको ये जरूरत अब पड़ गई है कि ये हमारे बच्चों को बहलाएंगे, फुसलाएंगे और उनको ट्रेंड करने के लिए गेमिंग के द्वारा और उनको इस कॉलेज में स्कूल में जाके बताना सिखाना, इन सब का केवल एक ही उद्देश्य है कि उनको संप्रदायवाद लादना है। लेकिन इसके लिए सचेत होने के लिए सबसे पहला एक काम कि इनको जो पकड़े गए हैं पहले इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इनकी औकात दिख जाए कि ये दोबारा गलती ना करें, पहली बात। एक बात एक बात समझना है, हमारे जो भारत में संस्कार है, भारत का संस्कार हमारे धर्म गुरुओं का भी होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को, अपने सनातनियों को ये चीज सिखाना शुरू करें और कहीं ना कहीं ये जैसे भी धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं इनको ठीक करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये हिम्मत हो कैसे रही कि भारत में ये करने का प्रयास कर रहे हैं और हम बार बार इनको पकड़ा देते हैं, कभी गेमिंग में कभी कुछ नहीं, हमें सुधारने की बहुत जरूरत है। और खास मेहमान भी एक बार उनका भी रुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। मोहम्मद अतीक, आप क्या कहेंगे इन केसेस को लेकर? देखिए, एक के बाद एक नए पैटर्न्स को यूज किया जा रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश, उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश, और गाजियाबाद से तो ये कोई पहला मामला नहीं आ रहा है सामने। जिस तरह से आप बता रही हैं कि फंसाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, पहले वो राहुल हुआ करता था, फिर उसको राहिल बना दिया, इसका मतलब है कि वो अपनी मर्जी से राहिल बना क्योंकि उसने तो कोई शिकायत नहीं करी। उसके बाद अगर उसने अपनी प्रेमिका से कहा तो प्रेमिका भी जाहिर सी बात बालिग होगी, उसने कोई ऑब्जेक्शन उसकी तरफ से शिकायत नहीं दर्ज कराएगी, उनके पिता की तरफ से शिकायत। ये हो सकता हो कि भाई उनको उनके सम्मान मतलब बेटी से अलग है क्या, पिता परिवार से अलग थी क्या बेटी? नहीं, बेटी अगर बालिग है तो अपने अपने अपना फैसला खुद कर सकती है ना, ये तो आप भी कहती रहती है, वो फैसला कर सकती है ना अपने। अगर मुसलमानों का मामला होगा तब तो आप यही पैटर्न अपनाती है ना कि वो तो बालिग थी, हिंदू बन गई। इसी तरह से आप ये देखिए, जो बात आप अभी कह रही थी, अभी एक साहब ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पाकिस्तान से एक लड़की को बुला लिया नोएडा में। अच्छा, सरकार देखती रह गई, वो बगैर पासपोर्ट टिकट आ गई, फेलियर है ये सरकार का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और वो रह रही थी। अब इसमें कौन सा बताइए, कौन सी गेमिंग है, कौन सा गैंग चलाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान से एक लड़की आके नोएडा में रहने लगी? तो जिस तरह का मीडिया में हवा बनाया जा रहा है मुसलमान को टारगेट करने के लिए। एक मिनट, ये आपने कहा कि राहिल ने, अगर ये जो आपने कहा कि अभी ये धर्म अपनाए तो अपनी मर्जी से अपनाए, राहिल ने अपना नाम गलत बता दिया लड़की को राहुल, वो ठीक है आपके अकॉर्डिंग? लड़की अपने पेरेंट्स पर दबाव बना रही है, वो ठीक है आपके अकॉर्डिंग? नहीं नहीं, आप ये बताइए कि जो है लड़की कहाँ जॉब करती है, उसी के साथ काम करती है ना, अगर उसको शरीयत क्या नाम से, वो जाहिर सी बात है अगर वो जान रही तो नाम तो मायने नहीं रखता, अगर शरीयत की जानकारी हासिल कर रही होगी तो जाहिर सी बात उसको पता होगा ये राहिल है, अगर राहुल भी है तो क्या है, उसका इंटरेस्ट शरीयत की चीजों में जानने का था ना। नहीं, मतलब आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर नाम बदलकर इस तरह की चीजें की जा रही हैं तो ये सही है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, आप जिस जो पोर्ट्रे करना चाह रही हैं, जो पेंटिंग करना चाह रही हैं, पेंटिंग में नहीं करना चाह रही हूँ, मैं पेंटिंग नहीं करना चाह रही, जो हकीकत है वो आपके सामने है, भले ही आप उसे देखना ना चाहें, भले ही आप उस पर पर्दा डालने की कोशिश करें, आप सपोर्ट करने की कोशिश करें, इससे पहले अगर गेमिंग के जरिए चीजें की गई तो क्या वो सही था आपके अकॉर्डिंग? नहीं, भगवा लव ट्रैप भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारी शिकायतें हुई हैं, उसमें भी मुसलमानों की लड़कियों को धोखा दे के जो है शादी। अच्छा, आप मुसलमानों की लड़कियों को धोखा दे दिया गया, जब यहाँ हिंदुओं की बात आती है तो आप कहते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से कर रही है, वो गलत थोड़ी है फिर?